क्या आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में केन विलियमसन पर बड़ी बोली लगाई गई चेन्नई सुपर किंग्स? सामने आई बड़ी अपडेट, जानेंगे क्या है पूरी खबर। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी चेन्नई सुपर किंग्स फैंस को बता दें, आप सभी के लिए हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पर खास चेन्नई से जुड़ी अपडेट्स मिलती हैं। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार ये र्यूमर्स चल रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मिनी ऑक्शन में केन विलियमसन को टारगेट कर सकती है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। केन विलियमसन को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खरीदने वाली है या फिर नहीं, इसके बारे में हमें मिनी ऑक्शन में ही पता चलेगा। आपको बता दें, केन विलियमसन का प्रदर्शन आईपीएल 2022 में काफी खराब रहा था। केन विलियमसन ने आईपीएल 2022 में कुल 13 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने मात्र 20 की औसत से 216 रन बनाए थे। केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट भी 100 से कम रहा, जो कि टी20 क्रिकेट के हिसाब से काफी खराब है। केन विलियमसन पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान भी थे, ना तो उन्होंने बतौर बल्लेबाज और ना ही अपनी कप्तानी से प्रभावित किया था, और इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने केन विलियमसन को रिलीज कर दिया है। केन विलियमसन अब मिनी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम केन विलियमसन को खरीदे, ऐसा होना काफी मुश्किल है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास विदेशी खिलाड़ियों के सिर्फ 2 ही स्लॉट बाकी हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तेज गेंदबाजों के पीछे जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या केन विलियमसन को चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।